ये है, यहाँ पे ज्यारत के लिए लोग आ रहे हैं और ज्यारत कर रहे हैं और फातिहा खानी कर रहे हैं। तो चले हम भी जाते हैं अंदर देखते हैं। काफ़ी ज़ायरीन आए हुए हैं ज्यारत के लिए। हेलो, वैसे बैठ के देखो, चेक करना था ना, बैठ दो लीटर तो ये कितने का टोटल दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुश हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश और अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। आज हम लोग जा रहे हैं हज़रत अम्मा हवा की कब्र पे ज़ियारत के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़ियारत करवाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर आप सबको, हम भी दुआ में याद रखेंगे, आप भी हमें याद रखें। अभी हमारी गाड़ी हो रही है तैयार जाने के लिए, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, रेडी हैं। तो इंशाअल्लाह आपको मिलते हैं हज़रत अम्मा हवा की कब्र पे। ये है हुसैन वसीम इकबाल राणा, मेरा बड़ा बेटा, माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में है। और अस्मा माशाल्लाह सेवन्थ क्लास में, अब अपग्रेड होगी नाइन्थ में, सॉरी एट्थ में। हसन वसीम इकबाल राणा छोटा बेटा जो अभी थ्री में, ये इंशाल्लाह हो गया अभी। अस्मा कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं हज़रत अम्मा हवा की कब्र पे ज़ियारत के लिए। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। ये हमारे घर के सामने का छोटा सा प्ले एरिया है बच्चों के फुटबॉल के लिए, और ये सामने मस्जिद है जहाँ पे जुमा ईद वगैरह अदा करते हैं हम। ये वो एरिया है जो डिमोलिश किए हैं चद्दा के, तो इधर से सारा वो तोड़ दिया है इन्होंने, बिल्डिंग वगैरह जो भी थी, जो भी उस चीज़ के अंदर आ रही थी हर चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पे बीच का कोई है कि बीच वगैरह कोई बनाएंगे? बहुत दूर तक इन्होंने डिमोलिश कर दिया है जद्दा का ना एरिया, ये सारा डिमोलिश।
तरीक अब अल मलक फार जनूब, ये जो रोड है इसको अल फलक अल मलक फाहद रोड के। एरिया जो उन्होंने बिल्कुल तोड़ दी है, साफ कर दी है बिल्कुल, बिल्डिंग अंदर सारे ख़त्म कर दिए हैं, नेट क्लीन कर दिया सारा, कचरा भी उठा लिया है यहाँ से। हम भी इंशाल्लाह जाते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो औरतें हैं, आई थिंक औरतों को अंदर नहीं जाने दे रहे, इसलिए सारी औरतें यहीं पे हैं। और वीडियो और तस्वीर भी लग रहा है मुझे मना है, बट देखते हैं। अभी वसीम और हुसैन अंदर गए हैं, देखते हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर लेके आएंगे, बना के आपको ज़्यारत करवाएंगे, वीडियो बना के ले आएंगे। औरतों को नहीं जाने दे रहे, देख सकते हैं आप कितनी औरतें यहाँ पे खड़ी हैं, तो किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं, लेडीज़ अंदर जाना मना है। ये सामने लगाया हुआ है कि नो फोटोग्राफी अलाउड, तस्वीर बनाना मना है। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है इनका, डेट वगैरह सारी रकम वक्त। ज़्यादातर लोग तुर्की से आए हैं, ये अभी मेरी एक दो से बात हुई है तो वो तुर्की से हैं, सारे ग्रुप आए हुए हैं तुर्की से, तो वो अंदर जाने नहीं दे रहे। ये मर्द हज़रात आ गए हैं ज़ियारत करके, तो लेडीज़ को नहीं, उनकी लेडीज़ को, ये मर्द हज़रात आए हैं अभी ज़ियारत करके, लेडीज़ को नहीं जाने देना अंदर, मर्द करके आ सकते हैं, ये सारे अंदर से आ रहे हैं ज़ियारत करके। सबील के लिए, सबील जो सबील का पानी है वो भी लेके आ रहे हैं, सबील लगी हुई है। हाय दे, हाय दे, ये तुर्की से, हाय दे, हाय दे। वो जो दो औरतें वहाँ पे मुझे मिली है ना, वो तुर्की से थी, हाँ, उन्हें वो इंग्लिश नहीं आ रही थी ना बात करनी। अभी हमारा जो रेंट है उन्होंने 4000 और एक्स्ट्रा कर दी, और भी कितने जो बेचारे 24 दे रहे थे, जो 25 उनका 30 कर दिया, किसी का 35, किसी का 40, इतने इन्होंने रेंट ज़्यादा कर दिए ना इन एरियो को तोड़ने की वजह से, कि लोग बेचारे परेशान हैं कि पहले तो क्या करें, घर वो छोड़ के जाते तो कहीं और मिल नहीं रहा है। जो लोग जॉब की वजह से कहीं और से मूव होके आए हैं उन्हें तो घर मिल ही नहीं रहा है ना, अगर मिल भी रहा है वो भी इतना एक्सपेंसिव है ना कि वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके बेचारों की अभी नई नई जॉब लगी है, टैक्स भी देने हैं यहाँ पे, और घर के रेंट भी हैं, बच्चों की स्कूल भी है, तो अजनबियों का यहाँ पे रहना मतलब बहुत मुश्किल कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं, अब रिजक अल्लाह ने लगाया, जब तक यहाँ पर हैं तो रिजक अल्लाह ने लगाया है, तो मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का, हर हाल में बहुत करम है अल्लाह का। अभी अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग ज़ियारत करके आए, मैं तो नहीं, खैर मैंने वीडियो में की है, हुसैन ने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। ये इनकी है सी पोर्ट सामने, जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस जगह पर, वो सी पोर्ट है ये सारा एरिया। बेटा ये सी पोर्ट है सारा इनका, जहाँ पे इनकी शिप्स आती हैं बड़ी बड़ी सामान लेके, कार्गो का जितना भी सामान होता है। तो बंदर किसी ने मैंने भेज दिया मेडिकल, क्यों भाई मेरे बेटे को छोटे को बंद करके आपने, मेरे पेंगुइन्स में होता है इस्लामिक पोर्ट, जद्दा पोर्ट, जद्दा पोर्ट है। अभी जा तो रहे हैं, देखते हैं आगे जाने देते हैं या नहीं, मना तो नहीं करते, देखते हैं। जद्दा सी पोर्ट, इस्लामिक जद्दा, इस्लामिक सी पोर्ट, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर गेट नंबर 2 जद्दा इस्लामिक। वो
उस टर्मिनल। ये मस्जिद है हजरत उस्मान बिन अफान की। ये जो आपको मेरी राइट साइड पे नजर आ रही है हजरत उस्मान बिन अफान के नाम से, उनके नाम से उन्होंने ये मस्जिद बनाई है। अंदर ले जाएं, हाँ पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेते हैं वो जैसे उसमें जनता हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट। एली क्यों बोल रहा है? हिस्टोरिकल प्लेस जद्दा का देखते हैं कैसा है। सुना है इसके बारे में काफी। इतनी ज्यादा कहाँ से? अस्मा की मूवी MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये है जद्दा का हिस्टोरिकल प्लेस, डाउन टाउन इनकी शॉप जो है डाउनटाउन की बंद है, तो अभी हम पता करते हैं ये किस टाइम पे ओपन होता है। सलाम अलैकुम, मितफ तसुक हादी साकम, मितफ तसुक साकम, मितफ तसुक बस। अभी ऑलमोस्ट सारे जो है शॉप्स बंद है, जितने भी है अभी खुलती हैं तो फिर आपको भी विजिट करवाते हैं साथ साथ। मुझे ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मुल्तान का जो डाउनटाउन एरिया है अंदरून दिल्ली गेट उसकी थोड़ी देर आ रही है ना, वैसे ही फील हो रहा है। वैसी छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ की, तो वैसे ही एरिया है ना। विंडोज जो है लकड़ी की बनी हुई है। साथ में आ जाओ।
यहाँ पे खेमे वगैरह जो है वो बनाते हैं, ये खेमों का है सारा सामान जो यहाँ पे खेमे वगैरह बनाते हैं ना, जो बड़े बड़े सहरा में यूज करते हैं टेंट, ये सारा वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कारपेट जो इनके ट्रेडिशनल नीचे जो होता है कारपेट जिसके नीचे लगा होता है, ये बाल बटने के लिए फर्शा जिसे होते हैं, यहाँ पे खमे वगैरह सिलाई करते हैं ये लोग सारा। आज तो चेक कब हुई शादी? हदी जिम सर आरो जिम सर है खाला वाग बोरा हां है بعد الخصم اثنين مين يا ابو مين؟ ابو طلال بعد الخصم اثنين كم؟ جيبي لا سارے خمے وغیرہ یہاں پہ بنتے ہیں سیتے ہیں نیچے بیٹھنے والا ہے سیم یہ بھی ہے बैठने वाला ये फर्श है ये आधी है आधी है नीचे वो नहीं लगा है ना ठीक है। और वसीम भाई एक वो कुर्सी भी उधर टेबल के आगे बैठने वाला लेट तो अपन का काम करना था है। सलाम अलैकुम। ये देखिए खैमों का सामान है यहाँ पे, सब खैमे वगैरह सिलाई करते हैं उन्होंने सारा रखा हुआ है खैमों का सामान। ये बड़े बड़े खैमे रस्सियाँ वगैरह अगर वैसे है बैठ के देखो चेक करना था ना बैठ दो लीटर ये सेट सही है ज्यादा है ना इसमें चार है मुझे दो चाहिए। तो ये कितने का टोटल दे रहे हैं? डाउन टाउन में वॉक करते हुए ये हमने परचेज किया है ऑलमोस्ट 120 के ये दोनों आ गए और 70 का आई थिंक वो नीचे बैठने के लिए जो कारपेट टाइप होता है जो रेत पे भी आप बचा सकते हैं, उससे ये होता है कि रेत वगैरह फिर वो लगती नहीं है उसको नीचे उसके कपड़ा लगा हुआ दूसरे टाइप का। तो ये हम डाउनटाउन में आवारा गर्दी करते हुए ये क्या बात की नहीं घुमाया उसमें कंधे में दर्द हो रही है आपने
यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर चीज़ मिल जाती है डाउनटाउन में। यह है मार्केट, यहाँ पे कपड़े वगैरह की शॉप्स हैं सारी, कपड़ों की, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ गाउन वगैरह भी यहाँ पे हर चीज़ मिल सकती है। ये स्लीपिंग ड्रेस भी है, ऐसी भी है, ये सारे आप देख सकते हैं, ये प्रेयर ड्रेस है। क्या करना है? कहाँ से बैठ? क्या हो रहा है? पानी से मेरा क्यों बहुत मुझे क्वालिटी तो करता हूँ कैमरे की। ये जो इनकी सारी तारीखी जो भी मार्केट है हिस्ट्री का, वो सारी मार्केट जैसे कि पहले बनी हुई थी आई थिंक, इन्होंने वैसे ही रहने दिया है ना, इसको चेंज नहीं किया कुछ भी। और सामने जो आप देख सकते हैं वही रिमोडिश किया हुआ एरिया सारे। ये है इनका मॉन्यूमेंट, कैसल आज हम आपको सारा यहाँ का जो डाउन टाउन एरिया इनका जद्दा का वो सारा आपको विज़िट करवाया है।